हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जेसिका एंड वेलकम टू जेसिकास क्लासरूम। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड क्लास के साइंस के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डोमेस्टिक एनिमल्स। सो हेयर वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड। सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट व्हाइल सम लिव्स इन होम्स और फार्म्स। एनिमल्स दैट वी कीप एट द होम्स एंड फार्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। लेट अस स्टडी अबाउट देम। अब डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? डोमेस्टिक यानी घरेलू, जो हम पालते हैं, अपने घरों में रखते हैं, अपने फार्म्स में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने घर में डॉगी पालता है, कोई अपने घर में काओ पालता है क्योंकि उसको दूध निकालना होता है, दूध बेचना होता है। कोई अपने घर में हैं मुर्गियां पालता है क्योंकि उसको अंडे बेचने पड़ते हैं। तो फार्मिंग के लिए भी जो एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है, वो भी डोमेस्टिक कहलाते हैं। और जो हम अपने घर में भी रखते हैं, घर में जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, बहुत सारे लोग बर्ड्स को भी रखते हैं, तो ये दोनों डोमेस्टिक एनिमल की कैटेगरी में ही आएंगे। देखिए एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। पेट एनिमल, एनिमल दैट वी कीप एट अवर होम आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि हम अपने घरों में रखते हैं वो पेट एनिमल कहलाते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, पैरेट्स, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को यही बताया। फार्म एनिमल, फार्म एनिमल दैट वी कीप एट फार्म आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि हम फार्म में रखते हैं वो फार्म एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया काऊ वगैरह। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हॉर्स हो गया, शीप हो गया, काउ हो गया, इस तरीके से। डोमेस्टिक एनिमल्स आर हेल्पफुल टू अस इन मेनी वेज। अब जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, घरेलू जानवर हैं, वो हमें कई प्रकार से मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउ, गोट, बफेलो हमें मिल्क देती है, तो वो क्या कहलाती हैं? मिल्क एनिमल कहलाते हैं। जैसे कि मिल्क से क्या बनता है? कर्ड, दही बनती है, घी बनता है, बटर बनता है, बहुत सारी स्वीट्स भी बनती हैं। वी गेट एग फ्रॉम हेंस, डक्स एंड गीज। एग्स आर यूज टू मेक केक्स एंड पेस्ट्रीज। देखिए, एग जो होता है हमें किससे मिलता है? हेन से मिलता है। अब जो एग है वो ब्रेड बनाने के लिए भी, केक बनाने के लिए भी, काफी चीजों से बनाने के लिए, काफी सारी डिशेस बनाने के लिए जो एग है वो यूज होता है। नेक्स्ट इज, सम पीपल ऑल्सो गेट मीट फ्रॉम एनिमल्स लाइक हैन, गोट एंड फिश। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो उन एनिमल्स से उन्हें क्या मिलता है? मीट मिलता है, जैसे कि फिश हो गया, गोट हो गया, हैन हो गया, इस तरीके से। तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि हम एनिमल्स से क्या क्या पा सकते हैं। पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम प्लांट से क्या क्या पाते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि एनिमल्स से आप लोग क्या क्या पा सकते हैं, जैसे कि घी, बटर, मिल्क, एग्स, मीट, तो इस तरीके से बच्चे आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हनी। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बी हाइव, यानी मधुमक्खी के छत्ते से हमें क्या मिलता है? हनी मिलती है, शहद मिलता है, और वैक्स मिलती है, मोम मिलती है। बीज मेक हनी इन द बीहाइव, और जो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, वो बीहाइव में अपने छत्ते में क्या बनाती हैं? हनी बनाती हैं, और उनके छत्ते से क्या मिलता है? वैक्स मिलता है। देखिए, कैंडल है और हनी है यहाँ पे, तो वैक्स, मोम और हनी, शहद हमें किससे मिलता है? बीज से मिलता है। एनिमल लाइक हॉर्सेस, कैमल, बुल्स, डोंकीज, एलिफेंट कैरी हैवी लोड्स फॉर अस। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट, हॉर्सेस एंड कैमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर राइडिंग। देखिए, एनिमल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है कि जैसे एलिफेंट हो गया, डोंकी हो गया, बुल्स हो गया, कैमल हो गया, ये सब हमारा भार उठाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में मदद करते हैं। और कुछ जो एनिमल्स है जैसे कि कैमल, एलिफेंट, इनकी हम राइड करते हैं, यानी इनके ऊपर बैठ के हम झूलते हैं। अगर आप प्रतापगढ़ वगैरह जाते हैं, गए हो, तो आपने कैमल राइड किया होगा वहां पे, तो वो एक एनिमल है, लेकिन हमने उसका यूज किस लिए किया? राइडिंग के लिए किया, झूलने के लिए किया उसके ऊपर। तो जो एनिमल्स हैं हमारे अलग अलग तरीके से बहुत सारी मदद करते हैं। चलिए, सम एनिमल्स लाइक गोट, शीप,
give us wool. Wool is making used for making woolen clothes. We get silk from silkworm. Silk is used to make saris, suits, etc. अब जो sheep है, sheep और goat है, उससे हमें क्या मिलता है? Wool मिलता है. और जब wool है, वो किस लिए use होता है? हमारे कपड़े बनाने के लिए. सर्दियों में हम woolen clothes पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो हमें कहाँ से मिलता है? Sheep से. अब जो silk है, मम्मा के पास silk की साड़ी है, तो वो silk आया कहाँ से? Silkworm से. देखिए यहाँ से, यह है silk worm. देखिए, यह है wool और यह है silk worm. तो silk आया कहाँ से? Silk worm से. तो उसी silk की साड़ीज बनती हैं. चलिए, next is the skin of some animals like buffaloes, goat, deer, camels are used to used as leather. अब कुछ animals की जो skin होती है, जैसे कि buffalo हो गया, goat हो गया, deer हो गया, वो leather के रूप में काम आती है, यानी leather jacket सुना होगा, leather bag सुना होगा आप लोगों ने. तो कुछ animals की जो खाल होती है, वो ये बनाने के लिए भी काम आती हैं. वैसे एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट का यूज करते हैं हम लेदर्स वगैरह के लिए, वो बहुत गलत है, क्योंकि तो किसी भी जानवर को मारना ऐसी चीजों के लिए बहुत गलत बात है. नेक्स्ट इज द डंग ऑफ सम एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, गोट्स, कैमल इज यूज्ड फॉर योर मैन्योर. अब कुछ एनिमल्स का जो डंग है, वो किस लिए यूज होता है? मैन्योर के रूप में यूज होता है, खेतों में खाद के रूप में यूज होता है. तो ये था हमारा चैप्टर. तो यहाँ पे आप देखिए, एक एक्टिविटी दी गई है, यानी एनिमल्स दिया गया है, उसके सामने चीजें बनाई हुई है, यानी किस एनिमल से हमें क्या मिलता है. तो आपको यही करना है. बच्चों को मैथ्स के कॉलम्स के रूप में भी दे सकते हैं, पिक्चर्स के रूप में भी दे सकते हैं. आप सारी चीजें एक ऊपर एक बॉक्स में सारी चीजें लिख दीजिए, जैसे कि मिल्क हो गया, हनी हो गया, सिल्क हो गया, और नीचे आप एनिमल्स के नेम लिख दीजिए. बच्चों को क्या करना है, उस बॉक्स में से चीजें उठानी है और उस एनिमल के सामने लिखनी है. ये एक्टिविटी प्लीज आपके 15 मिनट लेगी, लेकिन बच्चों के लिए ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे. आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. बाय बाय, टेक केयर.